सौगंध हमारे मायके की। जब तक प्रवीण जी का दिल चलता रहेगा हम चैन से बैठेंगे नहीं। मैंने आपसे बहुत प्यार किया है नरेन, लेकिन इस प्यार का इतना भी फायदा मत उठाइए प्लीज। कम से कम बहाना तो ढंग का बनाते जिस पर हम यकीन कर पाते। मुझे तुम्हें कैसे यकीन देना, ये सारा कसूर इस दिल का है। सही कह रहे हैं आप, जब मुझसे प्यार किया था तब भी कसूर दिल का ही था, और आज जब बेला की तरफ आपका दिल दौड़ा चला जा रहा है तब भी कसूर दिल का ही है। लेकिन ये दिल है तो आपका ही ना, आपके सीने में धड़कता है, तो फिर मैं आपके दिल को आपसे अलग कैसे कर सकती हूँ नरेन? नहीं नरेन, अगर आपका दिल आपके वश में नहीं तो फिर यही बेहतर होगा कि मैं भी अपने दिल पर लगाम लगा दूं। बिजली के तार जुड़वाते जुड़वाते बेला जी ने तो भाई और भाभी के रिश्ते पर ही बिजली गिरा दी। आए अब भाई और भाभी तो अलग हो ही जाएंगे। चलो जरा कमरे में जाकर सिनेमा देख लिया जाए। पूछा ये क्या करी? तो यहाँ रुकने का कोई कारण भी तो नहीं नरेन? आपका दिल आपके वश में नहीं, मेरा प्यार आपके दिल को रोक नहीं पा रहा, तो यहाँ रुको भी तो क्यों? सॉरी मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया ना? वो क्या है, मेरे रूम का जो लाइट बल्ब है ना वो फ्यूज हो गया है और टूल बॉक्स मिल नहीं रहा है। भाई का जो टूल किट है ना वो बेला जी के पास हो गई, भाई जाते ही रहते हैं वहां पर। Oops. लगता है भाई कोई और ही बिजली के तार जोड़ने गए थे। भाई ऑल गुड? राहुल इस तरह वक्त बेवक्त किसी के कमरे में यूं घुस आना इस बैड मैनर्स, इतना तो आपने सीखा ही होगा, या फिर बेसिक मैनर्स के लिए मैं ही टीचर बनूं। आप हमेशा इतना तीखा क्यों बोलती हैं? आप भी तो जब बोलते हैं बेमतलब ही बोलते हैं। So now if you will please. आज तो सिर्फ एक आदमी ने मुंह खोला है, कल जब सारी दुनिया बात करेगी तो क्या बहाना देंगे आप सबको? यही कि आपका दिल बदल गया इसलिए आप भी बदल गए। मैं ही पागल थी जो इस कमरे को सजाया, खुद सच संवर कर बैठी थी, सोचा कि आज अपने हस्बैंड पर सारा प्यार बांट दूंगी। लेकिन आप रुक जाइए नरेन, आज की बात जाने देते हैं। अगर इतने सालों में एक पल के लिए भी आपके दिल ने मुझे अपना माना हो तो इस लकीर को मत लांघेगा नरेन। एक दिन इस रंग ने हम दोनों को जोड़ा था और आज यही रंग हमें बांट रहा है। जब मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और हमेशा करूंगा। पूजा मैं जानता हूं तुम ये सब करके खुश नहीं हो,
तुम्हारे दिल का दर्द तुम्हारी आंखें बयां करी हैं। क्योंकि मेरे दिल ने, मेरी आंखों ने, मेरी आत्मा ने आपसे सच्चा प्यार किया है नरेंद्र। इससे पहले कि हम अपने प्यार की गरिमा भूल जाएं, आप मुझे जाने दीजिए। मुझे कैसे कैसे समझाऊं तुम्हें कि ये सब उस पान की वजह से शुरू हुआ है? ना मैं वो बेला के हाथ का बना हुआ पान खाता हूं, ना मैंने क्यों नहीं रोका खुद को, मैं क्यों रोक नहीं पाया खुद को? पान सुपारी सब आपके पसंद के मुताबिक ही डाला है, तो खा लीजिए ना प्रवीण जी। प्रवीण जी, नरे आप किस पान की बात कर रहे हैं? पूरी बात साफ साफ बताइए। सिर्फ बात बताने के लिए कहा है, सिर्फ बात पूछी है, यकीन नहीं किया है आप पर। तुम तो जानती हो मुझे बचपन से कभी पान का शौक नहीं रहा, लेकिन जब से बेला इस घर में आई है ना, मुझे वो पान दिखा के ललचाती है और मेरा दिल मना नहीं कर पाता। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्यों इतना पान के लिए तड़पा जा रहा हूं। पान मेरी कमजोरी से बन गई है पूजा। नरेन, क्या आपके पास वो पान है? लेकिन ये कल वाला पत्ता है। लौंग, इलायची और गुलाब जल। सबूत के तौर पर गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा प्यार है और एक भरोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए पूजा हमेशा मुझ पर यकीन करेगी। पूजा वो बेला चाहे कितने बार भी मुझे प्रवीण बुलाए, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा पूजा का ही नरेन। और ये बात तुम्हारा दिल जानता भी है, मानता भी। आ रही हूं नरेन, इस लकीर की वजह को मिटाकर। आपके हाथों से बने पान की खुशबू किसी से छुपी नहीं है बेला जी। इफ यू डोंट माइंड, हम भी एक पत्ता लगाकर देखें। बात अगर सिर्फ जाम में होती तो साकी के लोग दीवाने नहीं होते। प्रवीण जी के दिल को हमारे हाथ के पान की पहचान है। ये डाले, वो दिल जब तक प्रवीण जी के शरीर में था आपका था, लेकिन अब वो नरेन का हिस्सा है।
उस पर मेरे सिवा कोई और हक नहीं जता सकता। अगर शरीर बदल जाने से दिल बदल जाए तो आपके निरंजन बाबू यो हमारे पीछे पीछे नहीं भागे। आप इस बात को नहीं समझे, पढ़ी लिखी जो ठहरी, आंखें, लिवर, किडनी, इन सब की तरह दिल भी एक ऑर्गन ही है। दिल का जज्बातों से कोई ताल्लुक नहीं, यही साइंस है और वास्तविकता भी यही। वास्तविकता ये है पूजा जी कि आपके नरेन बाबू में जो प्रवीण जी का दिल है वो आज भी अपनी बेला को पुकार रहा। आप चाहे उन्हें 7 सालों के अंदर भी बंद कर लें, फिर भी बेला के पास आने से रोक नहीं पाएंगे। यहाँ आई थी सोचकर कि थप्पड़ मारने की आपसे माफी मांगूंगी, लेकिन अब जाऊंगी तो आपको इस घर से विदा करके आपने जो नरेन और मुझ पर एहसान किया है उसे चुकाना तो नामुमकिन है, लेकिन एक पत्नी अपने पति का दिल बांट ले ये भी मुमकिन नहीं। इसलिए अब आप अपने मायके लौट जाइए। चाहे तुम हमको मायके भेजो या ये महल के बाहर 20 ताले लगवा दो, लेकिन प्रवीण जी के दिल को हमसे दूर नहीं रख पाओगी पूजा। आप गलतफहमी में नहीं भ्रम में जी रही हैं बेला जी। पान के बहाने आप नरेन के दिल को कितना भी बहकाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरा प्यार उनकी धड़कनें संभालने का। अब आप मेरे पति के ख्वाब देखना बंद कीजिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। ये कुछ पैसे जरूरत पड़ेगी। कर देना ये पैसों वालों वाली बात। ये चंद रंग बिरंगे कागज के टुकड़े हमारे प्रवीण जी के दिल की कीमत नहीं है पूजा जी। हम जो लेकर आए थे वही लेकर जाएंगे। और हाँ, तब तक तुम्हारे पास प्रवीण जी का दिल छोड़कर जा रहे हैं जो बहुत जल्द हमारा 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 सौगंध खाते अपने मायके प्रवीण जी का दिल तो हम लेकर जाएंगे। बेला का ऐसा बदला हुआ रूप मैंने पहले कैसे ध्यान नहीं दिया। कहीं बेला को घर लाकर मैंने गलती तो नहीं की थी। आपकी गलतफहमी आपकी तरफ मेरी जिम्मेदारियों को खत्म नहीं कर सकती बेला जी। बैठिए। इंसानियत दिखाकर एहसान मत करो हम पर, चले जाएंगे हम। आप भी एक बेटी हैं बेला जी। अगर इस तरह अकेले आप अपने मायके चली जाएंगी तो आपके माँ बाबा को कितनी तकलीफ होगी। उनके खातिर ही सही, आप मान जाइए। चले बेला जी। चलेंगे हम,
लेकिन हमारी एक शर्त है पूजा जी, हमारे मायके तक हमें छोड़ने आप नहीं, प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी हैं। और उनके बगल में जो जगह होगी उस पे हम बैठे। लगाइए फोन प्रवीण जी को, उनको पता चलेगा ना कि उनकी बेला ने उन्हें बुलाया, दौड़े चले आएंगे। सिर्फ तुम्हारे नाम का रंग मेरे दिल पर चढ़ा है पूजा, और ये रंग कभी उतरेगा नहीं। लगता है कि आपका दिमाग आपके वश में नहीं। अच्छा ये कि आप अपने मायके वापस लौट रही हैं, आपको अकेले जाने दे रही हूं, उसके लिए आपसे फिर से माफी मांगती हूं। इंसानियत मेरे पति से बढ़कर नहीं, लेकिन आपकी बुरी नजर मैं मेरे नरेट पर नहीं पड़ने दे सकती। कब तक हमें प्रवीण जी के दिल से दूर रख पाओगे तुम? बिला जी, जो भी हमारे सौगंध के बीच में आएगा क्या करूंगा? कर देंगे बिला जी। पूजा अब तक आई क्यों नहीं? अब बहुत देर हो चुकी पूजा जी, हम वो सब कुछ नहीं कर जाएंगे जो हम अपने मायके से लेकर आए थे। अपने पापा की मेहनत की कमाई, अपने माँ के हीरो का हाथ, अपने माँ के सोने की ओर, और अपने पति का दिल भी वापस लेकर जाएंगे हम। तुम हमें अपने घर से भले ही निकाल दियो पूजा, लेकिन हम लौटेंगे और खुद प्रवीण जी का दिल हमें बुलाएगा। तब तक जरा अपने नरेन बाबू को संभाल कर रखो।
मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ। सॉरी नरेन, मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं पूजा, जब मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो तुम कैसे समझ पाती? और नरेन मैं, अब अगर एक बार और तुमने गिल्टी फील किया ना, तो मैं सच्ची में गुस्सा होकर कहीं चला जाऊंगा। चलो तुम अब आराम करो, मैं तुम्हारी पट्टी करता। क्या जरूरत थी बेला की हितैषी बनने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो? जख्म भरने के लिए जख्म को पहले साफ करना तो जरूरी है ना। बेला को आपकी जिंदगी से दूर करना जरूरी था, उसके लिए थोड़ी बहुत चोट सराखों पर। तुम ना बहुत फिल्मी हो। तुम ठीक हो ना? ना ना, उठा लो मेरे प्यार का फायदा। अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कल हमारी जिंदगी में नई सुबह लेकर आएगा। और रही बात बेला की, तो अब वो हमारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगी।